तो देखो गेहूँ बोने वाली मशीन, इस वाले खाने में गेहूँ गेहूँ। तो ये है मयंक की क्लास और वो नर्सरी की है पता नहीं वाली। हेलो हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल बड़ों को मेरा नमस्ते, छोटू को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। आप लोग का स्वागत है रुपराना पहाड़ की रेजी में वाल ब्लॉग में। आप लोग कैसे हो, उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। और तो गाइस मैं भी ठीक हूँ और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरी सुबह के 9:30 बजे से। तो बच्चे चले गए स्कूल और चाची लोग भी चले गए सब, कल 9 बजे चले गए थे और पहुँच भी गए हैं। अभी फ़ोन आई है जस्ट, तो बात हो गई चाचा से, 5 बजे पहुँच गए थे घर से। मतलब दिल्ली तो वैसे 4 बजे पहुँच गए थे, तो कमरे में पहुँच गए थे 5 बजे। तो अभी फ़ोन आ रखे, बात हो गई है। तो मतलब ना उदास हो गया आज। तो मतलब ये होता है ना, 4 दिन थोड़ा मेहमान आए रहते हैं तो थोड़ा चहल पहल हुए रहती है उनके साथ, थोड़ा हो जाता है। तो हल्ला गुल्ला तो अब सब चले गए, तो थोड़ा वो लग हो रहा है। तो नाश्ता मैंने बना दिया है फ़िलहाल और इसके बाद लोग चले गए गेहूँ बोने। तो मैं काम कर रही हूँ और मम्मी भी बाहर काम कर रहे हैं। आज बाहर का काम हो रहा है क्योंकि वो मिस्त्री आ रखे हैं ना हमारा, थोड़ा वो लाइटिंग का मतलब गटर टूट गया था तो वो बना रहे हैं। अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी आप लोगों को। तो मिस्त्री आ रखे हैं, तो आज मम्मी का है फास्ट फ्राइडे का। और फिलहाल मैं अभी कपड़े कर रही हूँ फोल्ड, तो नाश्ता नहीं करा अभी, अभी थोड़ी देर में करूँगी। ये कल के कपड़े थे ना तो धोए थे कल बहुत ज़्यादा, जो मैं बता रही थी आप लोगों को। तो कपड़े करने हैं फोल्ड, कल टाइम नहीं मिला ऐसे हो गया था। तो अभी अभी फोल्ड कर रही हूँ, पूछा छाल मारती हूँ तो और काम करती हूँ। तो आप लोगों से फिर बाद में मिलूँगी। तो दोस्तों देखो गेहूँ बोने वाली मशीन, इस वाले खाने में गेहूँ 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 है और इसमें खाद खाद। तो लाइन बारी से बोई जाती है, खाद भी पड़ती है और गेहूँ भी। तो अभी देखो पता नहीं कहाँ कहाँ बो दिया है। और ये पाइप है, इसी से आते हैं नीचे, आगे वाले से गेहूँ जाते हैं का और उससे दोनों से दोनों तरफ जाते हैं। अच्छा ये पाइप यहाँ से गेहूँ जाएगा उससे खाद, फिर इससे आगे वाले में जा रहे हैं। चल आजा गेहूँ पकड़। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ बच्चों के स्कूल, मैं इनकी मैडम बुला रही थी, पता नहीं देखो क्यों बुला रही है। तो मैं जा रही हूँ रेडी होके। तो मैं पहुँच गई स्कूल, तो अब चलते हूँ। वैष्णवी तो 2 में चले गई। हाँ लड़का है UKG में। हाँ अच्छा या लिए क्लास। तो ये है मयंक की क्लास और वो नर्सरी की है पता नहीं वाली, और ये LKG की है शायद। तो सब बच्चे बैठे हैं। हेलो और उस नर्सरी की क्लास है, छोटे छोटे बच्चे। तो अभी मैम पढ़ा रही है, वेट करती हूँ यहाँ पे बैठती हूँ, फिर अभी मैम आएंगी, तो मैम से बात करूँगी। बुला रही है ठीक है, इधर पे आओ, यहाँ पे आ जा, इधर पे आ, फिर सामने आ, यहाँ से काली आ रही है ना, यहाँ पे सामने आ। अब आ गई मैं आंटी की दुकान में। तो आज बहुत दिनों के बाद आ रही हूँ आंटी की दुकान में मैं, दिखा दो। नमस्ते दीदी। तो दोस्तों मैं आ गई स्कूल से और कपड़े भी चेंज नहीं कर रखे हैं, पापा ने बना रखा पुलाव, तो खाते हो भूख भी नहीं लग रही, थोड़ी थोड़ी लग रही क्योंकि गोलगप्पे खा के आए थे ना। तो मिल के आ गई मैम से मतलब, और क्या बोलते हैं अब खाना वाना खाती हूँ। और कार्ड ही कार्ड आ रहे हैं, शादी के कार्ड ही कार्ड है, भगवान दुनिया भर के कार्ड आ रहे हैं। तो देखो क्या काम होता है, और देखो ये हो रहा है काम।
पानी तो चलाया ही नहीं हमने, पूरे नहाने की तैयारी में बैठे हैं। नहाया ही नहीं आज किसने? हम लोगों ने। पूरा दलदल हो रहा है ना। दलदल हो गया है। कितने दिन लग जाएंगे फिर भी? ऐसे कहा, ऐसे गड्ढों में टाइम तो लगता है ना, मुझे साफ सफाई होता है तो टाइम कम लगता है। अच्छा, फिर खुद समझे कि गड्ढा को संभालें, मिट्टी देखें, पानी रोके, क्या करें, सारा काम इसी में। फिर भी अरे तो मैं था, दो दिन का टारगेट था अपना। अच्छा, मिट्टी निकालते निकालते सुबह शाम हो गई, जितना निकाल रहे और गिर जा रही है। मयंक और मैं चले कपड़े देने, तो अगर मयंक और मैं चले कपड़े देने तो मयंक आया है मेरे साथ। हाँ, उसकी बिल्ली रही है। कहाँ है बिल्ली है? तो ये थोड़े कपड़े देने थे ना सिलने के लिए, तो मैं ना दे के आती हूँ बबीता को। मैं पता है मुझे। क्या पता है? तो देखो गेहूँ जम गए हैं, गेहूं जम भी गए हैं, यहीं पे तो कर रही बिल्ली है, इधर आ, उधर गए हैं, यहीं भी आ रखी है। तूने कब देखा है यहाँ आके? आमा पाला आमा बोलो तो हम आ गए। आमा को देख के बोल, पाला माँ बोल, कुत्ते को देख के। तो हम खा रहे हैं बूंदी। हम एक दे खा रहे हैं। तो आज बन रही है मटर की सब्जी, आज बन रही गुदी। तो मैं तो खाऊंगा, तुम्हें कीड़े थे। तो अभी चाय आई बनाती हूँ, चाय पीते हैं। वाइफ ने भी इसी में बैठी है। मैं तेरी तो बात ही नहीं डाली अलग। तो सोनू का हो रहा है मिजाज, कई मिजाज तो जान नहीं आ रहे। तू बजा खुश, ये इतनी तो बच रही है, ये चमकी गन एक लपेटा मार के और इतनी बच रही है, इतनी मोटी दिख रही है इसी में ही। तू सोनू चमकी गन इधर देखो, तो पीला अच्छा लग रहा है, पहन के दिखाओ तो। तेरे को पीला कलर अच्छा लग रहा है, साड़ी जो वैसे अच्छी लग रही है, साड़ी पहन लो फिर दिखाओ एक बार, अच्छा लग रहा है पीला। सोनू चमकी गए, सोनू मैं बता अच्छा लग रहा है, का पहनना तो पकड़ ले बस। हंसी आ गई अपने आप को देख के, हंसी हंसी आ गई रे, हंसी हंसी आ गई रे। शिकनु देवर हो गए ले, शिकनु देवर। अरे अरे मेरे को भी सीखा, मेरे मुंह में लगा लगा के नजर लगा के मेरे को भी, अरे छिलका दिया, छिलका दिया, छिलका दिया। तो दोस्तों खाना खा दिया हमने, और आज जल्दी खा दिया, तो आज 9 बजे खा दिया था, तो आज थोड़े मेहमान चले गए ना, तो आज खा दिया जल्दी, क्योंकि मम्मी का व्रत था तो बना दी थी रोटी, तो क्या करते खा ही दिया। तो अब सो जाते हैं। चामरन मयंक तू आ रहा है नहीं आ रहा है? ये इसके अभी भी पटाखे फोड़े जा रहे हैं, वो भी इतना बदतमीज है, क्या बोल रहे ये। रात भर ऐसी करने में रहेगा है, तो वो रात भर ऐसी करेगा, पूरा धुआं धुआं कर, बाहर निकल, पटाखे फोड़ने बाहर जा सीधे। और मेरी मम्मी को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।